क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच डैट कोस ए इक्वल कोस बी देन सो डैट एंगल ए इक्वल एंगल बी। देखिए इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एंगल ए और बी, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एंगल ए मैंने यहाँ पे लिख दिया, कहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। एंगल बी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये दोनों एक्यूट एंगल है और आपको पता होगा ये तो हमारा राइट एंगल है। अब ये कह रहा है कि इसमें गिवन में दिया है कोस ए इक्वल कोस बी। देखिए कोस ए और कोस बी, कोस का फॉर्मूला क्या है आपका, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही इधर भी कोस क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। एंगल ए की जब हम बात करेंगे, ए के हिसाब से बेस कौन है, ए के हिसाब से बेस एसी है, कौन है एसी है, और हाइपोटेन्यूज कौन है ए बी। इक्वल बी के हिसाब से बेस कौन है, बी के हिसाब से बेस आपका बी सी है और हाइपोटेन्यूज जो है ए बी है। अब जब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी इंटू ए बी इक्वल बी सी इंटू ए बी। देखिए यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा क्या बचा, ए सी इक्वल बी सी। जब ये दोनों साइड इक्वल होगी तो हमारे देयरफॉर एंगल ए इक्वल एंगल बी, कैसे, सी पी सी टी। लेकिन हमें यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आती, जब साइड इक्वल होगी तो एंगल कैसे इक्वल होंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसी ट्रायंगलों को लेके। हम यहाँ पे दो ट्रायंगल अलग अलग ड्रॉ कर रहे हैं, एक ए ये बी और ये सी, ये दोनों आपके एक्यूट एंगल है। ऐसे ही मैं अब क्या कर रहा हूँ, बी नीचे ले रहा हूँ, ए यहाँ पे और सी यहाँ पे, ये 90 ये 90। कहने का मतलब है ऊपर वाले सेम की तरह ही है। अब यदि हम इन ट्रायंगलों को यदि किसी दूसरे नाम से, यानी कि यहाँ पे मैं P ले लूँ, यहाँ पे Q ले लूँ और यहाँ पे R ले लूँ, तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए। हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। PQR समझ रहे होंगे आप कौन सा एंगल है, ABC एंगल है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए AB ये कितने का है, ये 90 का, ये एंगल 90 का है। एंगल BCA इक्वल एंगल PQR ये कितने का है, 90 का है। और आप देख रहे होंगे ये वाली बेस, जैसे हमने यहाँ देखा है AC इक्वल BC आया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा एंगल साइड AC इक्वल साइड QR, क्या लिखेंगे QR। ये किससे होगी, गिवन से, क्योंकि ये दोनों साइड गिवन में इक्वल है, क्योंकि बेस है, क्या है ये बेस। और यहाँ पे ये वाली साइड BC इक्वल PQ ये भी आपकी गिवन में ही है, लेकिन क्या है, परपेंडिकुलर। अब आप ये देखिए, ये दोनों ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल PQR किसे, साइड एंगल साइड रूल से। तो हमारी क्या होगी, हमारी जो ये दोनों साइडें जो हमने ली थी, या
ये दोनों एंगल, एंगल ए इक्वल एंगल आर, तो ये क्या हो गया सी पी सी टी से। तो कहने का मतलब क्या है, अब हम दूसरी फॉर्म में लिखेंगे एंगल ए इक्वल जो ये एंगल आर है वो हमने क्या लिया था एंगल बी के। तो ये हमारा ट्रायंगल जो होता है आपस में कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होता है, इसलिए हमने क्या लिया ये दो ट्रायंगल प्रूफ करके देखे। तो इस प्रकार हमें ये तो लिखना नहीं है, हमें क्या करना है ये नहीं लिखना है। तो यहां पे क्या होगा एंगल ए इक्वल एंगल बी सी पी सी टी। क्वेश्चन नंबर 7 वो कह रहा है इफ कोट थीटा इक्वल 7/8, क्या कह रहा है वो कोट थीटा इक्वल 7/8 इवेलुएट 1 + sin θ, 1 - sin θ, 1 + cos θ, 1 - cos θ और सेकेंड पार्ट है कोट थीटा यानी कोट स्क्वायर थीटा। देखिए ये तो सिंपल है, कोट का फॉर्मूला आप यहाँ पे सेकेंड हम पहले ही कर सकते हैं। कोट क्या होता है, जैसे कोट यहाँ पे क्या है बेस बाय परपेंडिकुलर, उसी तरह यहाँ पे क्या है बेस बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बेस कितना है 7 है और परपेंडिकुलर कितना है 8 है, तो इनका स्क्वायर कर देंगे, ये आपका सिंपल हो गया 49, 7 × 7 और 8 × 8 64। सेकेंड पार्ट तो हमारा 7 × 7 कंप्लीट हो गया। अब हमें ये वाला करना है, तो ये वाला देखिए 1 + sin θ, 1 - sin θ, यहां देख a प्लस में b, a माइनस b और यहां पे भी a प्लस b, a माइनस b, और आप सभी को पता है a प्लस b, a माइनस b क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस a माइनस b और a प्लस b हमारा इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। अब हम इसको क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय a प्लस b a माइनस b 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ये है ये हमारा बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको मैं एक फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूं, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता 1। यदि मेरे को साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो मैं इस कोस स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेके जाऊंगा और यदि मेरे को कोस स्क्वायर थीटा निकालना है तो मैं साइन को इधर लेके जाऊंगा। किसको लेके जाऊंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा को। अब आप ध्यान से देखिए साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया कोस स्क्वायर थीटा के और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया साइन स्क्वायर थीटा के। तो हमें वैल्यू डालनी है। अब कोस स्क्वायर थीटा यहां पे आ जाइए, कोस कोस का फॉर्मूला क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और ऐसे ही परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हमें ये निकालना है। यानी बेस और हाइपोटेन्यूज हमें चाहिए क्योंकि बेस परपेंडिकुलर तो दे रखा है, हमें सिर्फ चाहिए हाइपोटेन्यूज। तो यहां लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज निकालना है हमें, बेस कितना हो गया 7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर, ये हो गया 49 और ये हो गया 64, ये हमारा आ गया 9 × 4 = 13 और 10 × 1 = 11। तो ये हमारा आ गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो हमारा ये कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूज आएगा स्क्वायर रूट 13।
अब यहां पे बेस की बात करें तो बेस हमारा 7 है और हाइपोटेन्यूज हमारा 113 का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर कितना है 8 है और ये 113 का स्क्वायर है। अब सॉल्व कीजिए, ये 7 × 7 = 49, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 113, ऐसे 8 × 8 = 64 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब ये जब 4 बन जाते तो हम इनको पलट देंगे, 49 / 113 और ये जो नीचे वाले हैं इनको हम पलट देंगे, 113 से 113 कैंसिल हो गया और हमारा आंसर कितना आ गया, 49 / 64 कितना आ गया, 64। क्वेश्चन नंबर 8 वो भी इसी तरह दे रखा है, 3 cot A = 4। देखिए 3 cot है तो हमारा cot A इक्वल कितना हो जाएगा, 4/3। और आप देख रहे होंगे cot क्या होता है, cot होता है आपका बेस बाय परपेंडिकुलर। तो कहने का मतलब ये है, वो कह रहे चेक वेदर 1 − tan² A और 1 + tan² A इक्वल cos² A − sin² A है इक्वल या नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहां पे हाइपोटेन्यूज निकालना होगा, तो यहां पे लिखेंगे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है तो बेस कितना भाई, बेस 4 है और परपेंडिकुलर आपका 3 है, ये हो गया 16 प्लस में 3 × 3 = 9, ये हो गया 25। हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का आ गया 25, स्क्वायर हटाएंगे हम क्या लगा लेंगे, स्क्वायर रूट लगा लेंगे और ये हमारा हो गया 5 cm। अब हम यहाँ पे चलते हैं, इस वाले पोर्शन को लेके चलते हैं, जो ये पोर्शन हमें दे रखा है इस वाले पोर्शन को लेके चलते हैं, 1 − tan, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + tan परपेंडिकुलर बाय बेस का स्क्वायर इक्वल। कोस फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, 1 − perpendicular 3 और बेस हमारा 4 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + perpendicular 3/4 का स्क्वायर इक्वल। यहाँ पे देखिए बेस है 4 और हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 3 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 1 − 9/16 और 1 + 9/16 इक्वल 16 / 25, 9/25। अब हम इनको क्या करोगे, 1 लगा के एलसीएम डालोगे, इसका एलसीएम आ गया 16 और 16 − 9 कैसे भाई, 1 की डिवाइड 16 से 16 और 1 की मल्टीप्लाई 16 से 16 ही हो जाएगा, माइनस 16 से 16 डिवाइड 1 की मल्टीप्लाई 9 से, और ऐसे ही हमें क्या करना है 16 और 16 प्लस में 9 इक्वल, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 25। नीचे सेम तो ऊपर वाले भी हम सेम लिख देंगे। अब देखिए 16 − 9 यहाँ पे देखिए भाई 16 − 9 कितना हो गया हमारा 7 और बाय में 16 ये हो गया 25 / 16 इक्वल, ये हो गया 7/25, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब जो मैंने बताया था कि भैया क्या करना है,
करना क्या है, जो ये नीचे वाला दे रखा है इसको हम पलट के लिख देंगे, और इधर 7/25 इक्वल है या नहीं, 16 से 16 कैंसल, हमारा आंसर आ गया 7/25 इक्वल है 7/25 के। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कह रहा था इक्वल है या नहीं है, वो इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 9 वो कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। देखिए उसने बोला है एक ट्रायंगल आपके पास एबीसी है और बी एंगल इसमें जो है 90 है, तो मैं ए नीचे लिख लूं और सी नीचे लिख लूं। तो यहां पे दे रखा है इस भाई ने टेन ए इक्वल 1/√3। व्हाट इज द वैल्यू या व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टेन परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये हमारा परपेंडिकुलर एक है और बेस हमारा √3 है, तो हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम में करेंगे हम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है हमें निकालना है भाई, परपेंडिकुलर और बेस, बेस स्क्वायर रूट 3 प्लस में 1 का स्क्वायर, यह आ गया 3+1, और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल 4, और स्क्वायर हटा के लगा देंगे हम स्क्वायर रूट 2। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। अब देखिए इस फॉर्मूले को देखिए और इसको देखिए, ये कह रहा है साइन ए, साइन ए की वैल्यू अब यहां से देख रहे हैं, साइन ए कोस सी प्लस में कोस ए प्लस में साइन सी। पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कोस होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई, कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज प्लस कोस बेस बाय हाइपोटेन्यूज प्लस, सॉरी यहां पे मल्टीप्लाई का साइन है भाई, मल्टीप्लाई साइन क्या है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। देखिए एंगल ए की तरफ चलते हैं, एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेन्यूज है 2, अभी अभी जो आया है। सी के हिसाब से, सी के हिसाब से बेस है 1 और हाइपोटेन्यूज है 2, ऐसे ही कोस के ए के हिसाब से, ए के हिसाब से बेस, ए के हिसाब से बेस स्क्वायर रूट 3 बाय हाइपोटेन्यूज 2, और सी के हिसाब से परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 3 बाय 2। देखिए 1 × 1 1, 2 × 2 = 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 3 बाय 2 × 2 = 4, और इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे वाले सेम है तो ऊपर वाले भी सेम रहेंगे 4/4, 4 से 1। अब हम बात करते हैं कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखिए कोस का फॉर्मूला है बेस बाय हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई बेस बाय हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। एंगल ए की बात करें, एंगल ए की बात करें तो बेस हमारा रूट 3 है और हाइपोटेन्यूज 2 है, मल्टीप्लाई सी की बात करें तो बेस हमारा 1 है और हाइपोटेन्यूज 2 है, माइनस परपेंड ए के हिसाब से परपेंडिकुलर है 1 हाइपोटेन्यूज 2 मल्टीप्लाई सी के हिसाब से परपेंडिकुलर है रूट 3। देखिए यहाँ पे जब आप खड़े हो गए इसके सामने रूट 3 है और ये 2, तो ये स्क्वायर रूट 3 बाय 4, 2 × 2 = 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 बाय 4, 4 − 4 कितना हो जाएगा 0, तो हमारा ये आंसर कितना आ गया 0 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, वो कह रहा है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल मैंने बना लिया पी क्यू आर और क्यू जो है
वो राइट एंगल है। अब वो कह रहा है पी क्यू, अब मैं पी नीचे लिख रहा हूं, क्यू यहां पे हो गया और आर, पी क्यू यहां पे 5 सेंटीमीटर। देखिए ये कह रहा है पी क्यू 5 है, क्या है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। अब वो कह रहा है पी आर प्लस में क्यू आर मिला के 25 है, तो यहां पे हम कर लेते हैं लेट लेट क्यू आर इक्वल एक्स, तो यहां पे क्यू आर कितना हो गया एक्स, तो पी आर प्लस में क्यू आर, क्यू आर की जगह एक्स बराबर 25 और पी आर इक्वल 25 माइनस एक्स, तो हमारा पी आर आ गया 25, तीनों साइड हमारे पास होगी। तो अब ये लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, बेस 5 इसका स्क्वायर और परपेंडिकुलर एक्स तो एक्स का स्क्वायर, ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हमने आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ाया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे लगेगा ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस 2 × a 25 पर बी आपका एक्स है, इक्वल में 5 × 5 = 25 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब ये हो गया 625 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स, ये 25 प्लस में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस के 50 एक्स, ये 25 माइनस 625 क्या करेंगे। अब ये देखिए माइनस के 50 एक्स माइनस के 600, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक्स बराबर 600 बटे में 50, ये आपका 0 से 0 कैंसिल, 5 × 5 5 × 2 = 10 = 12, तो एक्स की वैल्यू यानी कि हमारी ये आ गई आपकी 12 और जो ये है ये आपकी आ गई 13। अब हमें निकालना है साइन पी, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस पी बेस बाय हाइपोटेन्यूज और टेन पी परपेंडिकुलर बाय बेस। अब पी हमारा नीचे दे रखा है तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया 12, हाइपोटेन्यूज 13, बेस पी के हिसाब से 5, हाइपोटेन्यूज 13, परपेंडिकुलर हमारा 12 और बेस हमारा कितना 5।